विजुअल बेसिक की जो आज की क्लास है उसमें हम एरर हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एरर हैंडलिंग्स क्या होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट हम देखने वाले हैं एरर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ रियल लाइफ में जो हमारे एरर्स आते हैं उसका नतीजा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एरर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। रियल लाइफ में हम जो मशीन यूज़ करते हैं अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी आ जाए, चाहे वो रन टाइम पे आए चाहे फिर कंपाइल टाइम पर आए यानी बनते समय आए, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी आती है और मशीन अपना ठीक तरीके से काम नहीं करती है तो उससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ये हमारी रियल लाइफ के कुछ एरर्स हैं जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। इस इमेज को देख करके आपको ये समझ में आ रहा हो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एरर्स का आना कितना खतरनाक हो सकता है। जहाँ पर बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सर सिक्योर डेटा होते हैं, वहाँ पर जो है एरर्स जो है इस तरीके से भयानक रूप ले लेते हैं। क्लियर है? तो एरर्स जो है हमारी रियल लाइफ के साथ साथ एक प्रोग्रामर के कोड में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि एरर्स को 100% रोका नहीं जा सकता। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ये ट्रेन एक्सीडेंट कुछ और प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी हो सकता है, जैसे बिजली गिर जाना, भूकंप आ जाना, भूकंप आने की वजह से पटरी जो है वो डैमेज हो गई होगी। इस तरीके की कोई भी प्राकृतिक घटना को आप 100% रोक नहीं सकते, लेकिन उनको हैंडल किया जा सकता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी बिल्डिंग्स बनती है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनी बनाई जाती है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो भूकंप के झटके को आसानी से हैंडल कर सके। उसमें भूकंप वाला जो एरर है उसकी हैंडलिंग की गई है। तो ऐसी बिल्डिंग में अगर भूकंप आता है वहाँ पर तो वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी, लेकिन अगर ऐसी कोई बिल्डिंग बहुत ऊंची खड़ी कर दी जाए जहाँ पर भूकंप के झटके को सहने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं लगाया गया है तो वो बड़ी सी बिल्डिंग किसी प्राकृतिक घटना की वजह से गिर जाएगी। तो इस तरीके से एरर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी चीज़ को ख़राब करने में। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जिसके प्रोग्रामर जिसके बनाए हुए प्रोग्राम में कम से कम एरर आए, और एरर आए भी तो उसे हैंडल कर लिया जाए। तो यही जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं एरर हैंडलिंग के ऊपर। अगर हमको एरर हैंडलिंग करना है तो सबसे पहले एरर्स को समझना होगा। जैसे भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले हमको भूकंप किस टाइप के होते हैं, कितने कैटेगरी के भूकंप होते हैं, उनसे क्या क्या और नुकसान होता है और कैसे नुकसान होता है, पहले ये जानना होता है, तब जाके हम उसको रोकने के लिए कुछ मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं। जैसे भूकंप आप लोग देखे होंगे, तीन अलग अलग टाइप के भूकंप होते हैं। जो भूकंप का सोर्स होता है उसका पीक पॉइंट कहाँ पर होता है, उसका रिवर्स पॉइंट कहाँ होता है, और तीन अलग अलग टाइप के भूकंप वेव जो है वो पृथ्वी पर मूव करती है, जिसमें जो सबसे छोटी वेव होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अलग अलग टाइप के जो वेव्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म लगाया जाता है। वैसे अगर आपको एरर को हैंडल करना है तो एरर के बारे में समझना होगा कि एरर कितने टाइप के होते हैं, तभी जा कर के आप उसको हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं कुछ एरर्स जो हैं हम अपनी रियल लाइफ में देखे हैं जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि आपने कभी पेमेंट किया, आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन करते वक्त आपका अमाउंट जो है बैंक अकाउंट से कट गया है और आपका जो पैसा है वो सही जगह पर नहीं पहुंचा, उस बीच में ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो सामने वाला रहता है उसका विश्वास जो है उस टेक्नोलॉजी से उड़ जाता है। अगर आप एटीएम से एक बार भी पैसा निकालते हैं 10,000 रुपये और वो पैसा बाहर नहीं आया जबकि पैसा अकाउंट से कट चुका है, ऐसा कई लोगों के साथ होता भी है। अगर ऐसा हो जाए और आपका 10,000 रुपये का नुकसान हो जाए तो भविष्य में आप कभी भी एटीएम मशीन का यूज़ नहीं करेंगे और धीरे धीरे इसके कस्टमर्स कम होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि एटीएम मशीन कचड़े में पड़ी होगी। तो एक एटीएम मशीन बनाने वाला जो व्यक्ति होगा उसको ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि किसी का नुकसान ना हो। तो ऐसा करने के लिए उसको अपने अंदर आने वाले एरर्स हैंडल करना है। एटीएम मशीन अपने अंदर के एरर्स को हैंडल नहीं करता है तो एटीएम मशीन कोई भी यूज नहीं करेगा, विश्वास उड़ जाता है लोगों का।
ठीक है, कई तरीके के एरर्स हम यहाँ पर देखते आए हैं। आगे देखते हैं, एरर की वजह से हमारी जो है रिलायबिलिटी, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी, भरोसा जो है वो उठ जाता है। हम अभी किसी भी प्रोडक्ट पे जल्दी विश्वास इसलिए नहीं करते हैं, जैसे आपने आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप कोई अच्छी वेबसाइट को ही प्रेफर करते होंगे, क्योंकि आपको उसके ऊपर भरोसा है कि यहाँ पर हमें हमारा नुकसान नहीं होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर का विश्वास हासिल करना, और एरर वो एक चीज़ होती है जहाँ पर कस्टमर का विश्वास जो है वो हम खो देते हैं। तो एरर बिल्कुल भी एक प्रोग्रामर के कोड में नहीं आना चाहिए। एक एरर फ्री कोड जो है वो सबसे अच्छा जो कोड होता है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, लगभग 4 से 5 गुना जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है और विश्वसनीयता लोगों के ऊपर आती है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर में कितने टाइप्स के एरर होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। सबसे पहला जो है आप देख रहे हैं कंपाइल टाइम एरर्स, दूसरा है रन टाइम एरर्स, और तीसरा है लॉजिकल एरर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, और इन तीनों एरर्स को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है प्रोग्रामर्स के द्वारा। इन तीनों के हैंडलिंग का तरीका भी अलग अलग है। जैसे हमने देखा अभी कि एक ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, क्योंकि ट्रेन चल रही थी और बीच में कोई एरर आया, चाहे उसका जो टायर, जो उसका व्हील है वो फेल हुआ, पटरी फेल हुआ, या सिग्नलिंग फेल हुई, कुछ भी चीज़, कोई भी एक मैकेनिज्म फेल हुआ जिसकी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो ऐसे एरर्स को रन टाइम एरर कहा जाता है, जब हमारी मशीन वर्क कर रही होती है और उस समय जो एरर आता है उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्लियर है। कंपाइल टाइम एरर क्या होते हैं, अगर प्रोडक्शन के समय जब वो चीज़ बना, वो मशीन बन रही है, उस समय अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग की बात करें तो जब हम कोड लिख रहे होते हैं, तो किसी कोड एडिटर विंडो में कोड लिख रहे होते हैं और प्रोडक्ट को कंपाइल कर रहे होते हैं या फिर रन करके टेस्ट कर रहे होते हैं, उस समय जो एरर आता है उसे कंपाइल टाइम एरर कहा जाता है। ये एरर्स जो है कंप्यूटर के द्वारा भी फाइंड आउट कर लिया जाता है, और ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता, ये सिर्फ प्रोग्रामर तक सीमित होता है। इसको सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक एरर के नाम से भी जानते हैं। ये एरर तब आता है जब प्रोग्रामर लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक, सिंटेक्स में गलती या सिमेंटिक्स में गलती करता है, तब ये एरर्स आते हैं। और ये एरर सिर्फ प्रोग्रामर तक ही लिमिटेड होते हैं और आसानी से हैंडल कर लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आसानी से हैंडल करने वाला एरर जो है वो कंपाइल टाइम एरर ही होता है। बात करते हैं रन टाइम एरर की। प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है, प्रोग्राम रन हो रहा है, बीच में प्रोग्राम का क्रैश हो जाना रन टाइम एरर कहलाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जैसा कि आपने ट्रेन को देखा कि ट्रेन एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, कोई एरोप्लेन ऊपर में है, उड़ रही है, वहाँ पर कोई एरर आ जाए तो वो आपका रन टाइम एरर कहलाएगा। प्लेन के उड़ने के पहले जो टेस्टिंग की जाती है, उस समय कोई एरर आता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसको नीचे ही सॉल्व कर लिया जाता है और वो टेक्निकल पर्सन तक ही सीमित रहता है। लेकिन अगर प्लेन हवा में है और उस समय कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आके एरर आएगा या रन टाइम एरर आएगा तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तीसरा जो एरर है उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर, आसानी से पकड़ नहीं आता। लॉजिकल एरर जो है इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको पहचान में नहीं आता है। ये कुछ इस तरीके से होता है कि एक एरोप्लेन है और उसको टेक्निकल पर्सन ने टेस्ट किया, सब कुछ ओके था, ऊपर प्लेन उड़ गया, वहाँ पर भी कोई एरर नहीं आया, लेकिन उसको जिस रूट पे जाना था उस रूट पे नहीं जा रहा है वो, उसको जाना था जापान और पहुँच गया चीन। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि उसका पूरा शेड्यूल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, और लॉजिकल एरर को ट्रेस करके रिट्रीव करना या पूरा डेटा वापस लाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कंप्यूटर में देखा जाए तो। रन टाइम एरर से अगर मैं बोलूं कि प्रोग्रामर्स को क्या प्रॉब्लम होती है रन टाइम एरर से, तो वो ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है उस पर वर्क कर रहे हैं और अचानक से रन टाइम एरर हुआ, प्रोग्राम क्रैश हो गया, तो जो भी डेटा जो है वो आपका बीच का जो डेटा, इंटरमीडिएट डेटा, वो पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। और अगर वो डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था
तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्लियर है? ये सेम इसको आप लोग, अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो आप लोग इसको वहां पे फील किए होंगे। आप मान लीजिए ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हैं अपने मोबाइल पर, आपने पूरा फॉर्म भर दिया, अब लास्ट में सबमिट बटन दबाना रह गया है और अचानक से मोबाइल बंद हो जाता है, तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब ये डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता, आप तो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये डेटा अगर इम्पॉर्टेंट होता दोबारा नहीं मिल पाता और आपको काफ़ी नुकसान होने वाला था इस डेटा को सबमिट ना करने से, तो आप एक बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल है लॉजिकल एरर का, आपकी जॉब लग गई है और आपको बोला गया है कि आज शाम तक आपको एक ऑनलाइन फॉर्म ये भर देना है, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपने बड़े मज़े से कोई वेबसाइट खोली और अपने फॉर्म भी भर दिया, बाद में कल रिजल्ट आता है कि आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपको भरना था कोई और फॉर्म और आपने दूसरा फॉर्म भर दिया, तो ना तो कोई एरर दिखाई दिया ना ही मोबाइल बंद किया और आप बिल्कुल खुश है कि मैं सही सही काम कर रहा हूँ, बाद में पता चल रहा है कि आपने गलत डायरेक्शन में काम किया, लॉजिक ही गलत लगाया, तो ऐसे एरर को जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता है। तो ये तीन टाइप के एरर्स होते हैं। कंपाइल टाइम एरर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी डेफिनेशन जो है इनकरेक्ट सिंटेक्स की वजह से कंपाइल टाइम एरर्स आते हैं। रन टाइम एरर को बग्स भी कहा जाता है और रन टाइम एरर नहीं आने चाहिए आपके प्रोग्राम पर, ठीक है? अगर प्रोग्रामर्स को रन टाइम एरर मिलते हैं तो डीबगिंग प्रोसेस फॉलो की जाती है एरर्स को ढूंढने में, ठीक है? लॉजिकल एरर्स भी जो है वो आपके बग कहलाते हैं और ये भी मिस्टेक होते हैं, और इनकरेक्ट बिहेवियर अगर आपका कोई प्रोग्राम या फिर मशीन कर रही है तो वो लॉजिकल एरर। एरर आता क्यों है? एरर आने के कई सारे कारण होते हैं, जिसमें एक कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको हम दूर नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह है, उसको हम हटा नहीं सकते, वो आना ही आना है। कुछ एरर्स जो हैं वो ह्यूमंस के कारण भी आते हैं, और कुछ एरर्स जो हैं हम गलत डेटा या गलत इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तब आते हैं। तो एरर्स के बिहेवियर को पहचानना और उनके उस एरर को हैंडल करना और दूर करना या फिर एरर को फाइंड आउट करना, ये हमारा जो प्रोसेस है वो डिबगिंग कहलाता है। तो एरर की डिबगिंग करने के लिए हम दो स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला होता है एरर का डिटेक्शन, फिर करेक्शन। एरर को डिटेक्ट करना कि एरर कहाँ पर आया है और क्यों आया है, ये दो कारण हमको ढूंढना होता है, उसके बाद ही हम उसका करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइप के एरर को अलग अलग तरीके से करेक्ट किया जाता है या हैंडल किया जाता है। तो इस प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। डिबगिंग करने के लिए विजुअल बेसिक में कुछ टूल्स उपलब्ध हैं जिससे आप डिबग कर सकते हो, एरर को पहचान सकते हो और उसको करेक्ट कर सकते हो। इन टूल्स के नाम वॉच विंडो, लोकल्स विंडो, इमीडिएट विंडो, कॉल स्टैक आदि हैं। तो ये हमारा आज का जो सेशन था, इसमें हमने एरर हैंडलिंग के बारे में समझा। थैंक यू।